Morning class. This is our new pathology class in which today we are going to start the last chapter of general pathology, that is neoplasia. तो हमारा जो जनरल पैथोलॉजी का फिफ्थ चैप्टर है नियोप्लेसिया, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए, नियोप्लेसिया दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, नियो और प्लेसिया. प्लेसिया का मतलब आपको पता है कि ग्रोथ होता है, या नंबर, सेल का नंबर या ग्रोथ. और नियो का मतलब न्यू, मतलब जब न्यू सेल की ग्रोथ हो रही होती है तो वो, उसके लिए हम नियोप्लेसिया टर्म यूज़ लेते हैं. और ये वैसे तो अब एक जनरल ये टर्म है कि भाई न्यू सेल की ग्रोथ नियोप्लेसिया कहलाती है, पर इसको हम यूज़ जो है वो एबनॉर्मल, न्यू एबनॉर्मली ग्रोथ सेल्स के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं. और एबनॉर्मल ग्रोथ जब सेल की होती है तो वो ट्यूमर या कैंसर की फॉर्म में दिखाई देती है. मतलब ये जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो कैंसर का चैप्टर है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है भाई? नियोप्लाज्म एक एबनॉर्मल मास होता है टिश्यू का, जो कि दिखाई दे रहा है अनकोऑर्डिनेटेड मैनर में. मतलब अनकोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर टिश्यू जो है वो डिवाइड करके एबनॉर्मल मास का रूप ले लेता है. और ये एबनॉर्मल डिवाइड कब कर रहा है? तब जब उसको कोई स्टिम्यूलेशन मिल रहा है. इस चेंज को जो शुरू करने वाला स्टिम्यूलेशन उसको जब मिलता है तभी एबनॉर्मल मास दिखाई देता है. और वो स्टिम्यूलेशन बंद होने के बावजूद भी अगर वो एबनॉर्मल मास वहाँ बनता जा रहा है तो हम उसको नियोप्लाज्म या नियोप्लेसिया कहते हैं. क्योंकि स्टिम्यूलेशन पे तो कोई भी सेल या टिश्यू ग्रो करेगा, पर स्टिम्यूलेशन बंद होने के बावजूद भी अगर वो ग्रोथ लगातार वहाँ पर बनी हुई है तो हम उस सेल मास को नियोप्लाज्म कहते हैं. और इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को हम नियोप्लेसिया कह देते हैं. ठीक है, आई डेफिनेशन नियोप्लेसिया की समझ में, कि नियोप्लेसिया मतलब न्यू ग्रोथ होता है, क्योंकि नियो मतलब न्यू, प्लेसिया मतलब ग्रोथ. नियोप्लेसिया टर्म हम कैंसर के लिए यूज़ करते हैं. ये क्या है? एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू द ग्रोथ ऑफ विच एक्सीड्स एंड इज अनकोऑर्डिनेटेड विद दैट ऑफ नॉर्मल टिश्यू एंड परसिस्ट इन द सेम एक्सेसिव मैनर इवन आफ्टर द सीजेशन ऑफ द स्टिम्यूलाई विच हैज़ इवोक्ड द चेंज. कि भाई इसमें एबनॉर्मल टिश्यू की मास होती है जिसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो चुकी है और इतनी अनकोऑर्डिनेटेड हो गई है कि नॉर्मल टिश्यू के साथ में वो मैच नहीं कर पा रही है. और वो जो अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ है वो वहाँ परसिस्ट भी कर चुकी है उसी एक्सेसिव मैनर के अंदर जितनी की किसी स्टिम्यूलेशन के मिलने पर वो थी, और स्टिम्यूलेशन के सीज होने पर भी वो उसी मैनर में, एक्सेसिव मैनर में वहाँ पे परसिस्ट कर जाती है. कौन सा स्टिम्यूलेशन? जिसने इसको शुरू किया था, विच इवोक्ड द चेंज. इवोक्ड द चेंज मतलब जिस स्टिम्यूलाई ने इस चेंज को शुरू किया था, उस स्टिम्यूलाई के सीज होने पर भी, सीजेशन मतलब रुक जाने पर भी वो मास, वो ग्रोथ वहाँ पर बनी हुई है. और ये टर्म जो है वो सर रूबर्ट वेलिस ने कॉइन की थी. सर रूबर्ट वेलिस ने ये टर्म जो नियोप्लेसिया है वो कॉइन की थी. इसमें ऑटोनॉमस और पर्पसलेस प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स जो है वो दिखाई दे रहा होता है. तो ट्यूमर नियोप्लाज्म को कहते हैं. ये दो तरह के हो सकते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट. बिनाइन इनोसेंट होता है बेचारा, जबकि मैलिग्नेंट बड़ा एविल है, राक्षस किस्म का ट्यूमर होता है. क्योंकि बेनाइन जो है वो ट्यूमर की तरह ही दिखाई देता है, तो इनोसेंट एक्टिंग ट्यूमर होता है ये. और ये जो मैलिग्नेंट है वो केवल ट्यूमर नहीं होता, वो कैंसर होता है पूरा पूरा, इसलिए अपन इसको एविल एक्टिंग ट्यूमर कहते हैं. अब इसके नॉमनक्लेचर के अंदर भाई देखिए, नियोप्लाज्म में हमने कहा दो तरह का है, बिनाइन मैलिग्नेंट. इसके अलावा तीसरा होता है CIS, कार्सिनोमा इन सिटू, जो इनके बीच की स्टेज है. बिनाइन, CIS और मैलिग्नेंट. बिनाइन का जब अपन नॉमनक्लेचर करते हैं तो जो प्रोलिफरेटिंग सेल्स है उसके अकॉर्डिंग, उसकी, उसके नेचर के अकॉर्डिंग, प्रोलिफरेटिंग सेल्स के नेचर के अकॉर्डिंग उसका लेबल देते हैं और पीछे उसके ओमा सफिक्स लगा देते हैं. नेचर ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स विद सफिक्स ऑफ ओमा, इस तरह से नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल, एडिपोसाइट के ट्यूमर को अपन लाइपोमा, स्मूथ मसल के ट्यूमर को लियोमायोमा कहते हैं. जबकि मैलिग्नेंट की जब अपन नॉमनक्लेचर देते हैं तो
कार्सिनोमा और सार्कोमा वर्ड यूज़ करते हैं। कार्सिनोमा तो एपिथेलियल ट्यूमर के लिए और सार्कोमा मीजेनकाइमल टिश्यू की ट्यूमर के लिए अपन टर्म यूज़ करते हैं, तो कार्सिनोमा और सार्कोमा। तो अब जो नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है उसमें बिनाइन तो लोकलाइज्ड होता है, नॉन इन्वेजिव होता है। लोकलाइज्ड मतलब ये एक जगह पर रहता है, नॉन इन्वेजिव का मतलब भी यही होता है कि ये आसपास फैलता नहीं है। मैलिग्नेंट जो कि कैंसर होता है ये स्प्रेडिंग नेचर का होता है, इन्वेजिव होता है, इन्वेजिव मतलब फैलने वाला। तो स्प्रेडिंग मतलब भी फैलना होता है, इन्वेजिव मतलब भी आसपास के टिश्यू के पास ये फैल जाता है। तो ये इन्वेजन का डायग्रामेटिकली इसको बताया गया है। और नॉमेनक्लेचर मैंने बिनाइन के लिए बताया कि भाई ओमा सफिक्स अपन यूज़ करते हैं ऑर्गन नेम को उसमें रूट की तरह, रूट ऑर्गन नेम उसमें काम में लेते हैं। जैसे स्मूथ मसल के लिए अपन लियोमायोमा कहते हैं। कन्फ्यूजिंगली कुछ मैलिग्नेंट्स में भी अपन ओमा सफिक्स जैसे मिलेनोमा, सेमिनोमा, जबकि ये कैंसर है, ये बिनाइन ट्यूमर नहीं है, तो कई बार थोड़ा से कंफ्यूज कर देते हैं। अदरवाइज ओमा वर्ड अपन बिनाइन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे थायराइड के लिए एडिनोमा, वैसे आप सुन लीजिए एडिनोमा वर्ड जो है अपन ग्लैंड रिलेटेड कोई भी कैंसर होता है उसके लिए अपन एडिनोमा, ग्लैंड का कैंसर या ग्लैंड जैसा दिखाई देने वाला, ग्लैंड जैसा एक्ट करने वाला भी कैंसर जो है वो एडिनोमा कहलाता है। नॉर्मल लुकिंग वेल डिफ्रेंशिएटेड कोलॉइड फिल्ड थायराइड फॉलिकल्स यहाँ पर दिखाई गई हैं आपको डायग्रामेटिकली। अब बेनाइन ट्यूमर की खासियत, ये एनकैप्सुलेटेड और वेल डिफाइंड होता है, रट्टा मार लीजिए ये टर्म, ये एनकैप्सुलेटेड होता है, वेल डिफाइंड होता है, जबकि मैलिग्नेंट में कभी कैप्सूल नहीं पाया जाता, बेनाइन के चारों तरफ कैप्सूल पाया जाता है। इसलिए आप उस ट्यूमर को अच्छे से पहचान सकते हो कि उसके चारों तरफ कैप्सूल है, तो कैप्सुलेटेड ग्रोथ होती है उसकी, कैप्सूल के अंदर कवर्ड रहती है वो, इसीलिए वो कभी फैलता नहीं है। और वेल डिफाइंड एकदम क्लियर पता चलता है आपको। कैंसर्स को आप क्लासिफाई करोगे सेल टाइप के बेसिस पर, तो ट्यूमर जो है रिजेंबल कर रहा है, ट्यूमर के जैसा दिखाई दे रहा है, तो उस ट्यूमर के ओरिजिन के अकॉर्डिंग अपन उसको देखते हैं। जैसे कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल से डिराइव होता है, एपिथेलियल सेल जैसे ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग, पैनक्रियास, कोलन, तो ये सब कार्सिनोमा कहलाते हैं। प्रोस्टेट कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, पैनक्रियास कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा एपिथेलियल के लिए काम में ले रहे हैं। एपिथेलियल सेल ओरिजिनल के जो मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है वो तीनों जर्म लेयर्स में से किसी से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं, तो उनको हम कार्सिनोमा कहते हैं। जैसे एपिडर्मिस से अराइज हो रहा है तो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है उसका, अगर वो रीनल ट्यूब्यूल्स की सेल से कैंसर अराइज हो रहा है तो मीजोडर्मल ओरिजिन कहलाता है। कैल्शियम डिराइड है या कार्सिनोमा, सी ए जो है यहाँ पर कैल्शियम के लिए नहीं कार्सिनोमा के लिए है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआईटी के ट्रैक्ट के सेल से अगर कैंसर अराइज हो रहा है तो उसको अपन एंडोडर्मल ओरिजिन, तो ये एक्टोडर्म, एमीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर से ओरिजिनेट हो सकता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से अराइज होता है, तो उसके एग्जांपल में एडिनो कार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। एडिनो वर्ड मैंने आपको बताया हमेशा ग्लैंडुलर सेल्स के लिए लेते हैं, जबकि स्क्वैमस तो ऑब्वियस है, स्क्वैमस सेल क्या मैलिग्नेंट ट्यूमर ही कहलाता है ये। नेक्स्ट टर्म है सार्कोमा, मैंने बताया कि सार्कोमा क्या है, मीजेनकाइमल टिश्यू या आप कहिए कनेक्टिव टिश्यू से अराइज होने वाला ट्यूमर सार्कोमा कहलाता है। जैसे बोन, कार्टिलेज, फैट, नर्व से डेवलप होता है, उन सेल से ये ओरिजिनेट होता है, मीजेनकाइमल सेल से जो बोन मैरो के बाहर होती है। सार्कोमा के अंदर एग्जांपल देखिए, कॉन्ड्रोसार्कोमा कॉन्ड्रोसाइट के कैंसर को, एंजियोसार्कोमा ब्लड वेसल के कैंसर को, रेब्डोमायोसार्कोमा स्केलेटल मसल सेल के कैंसर को कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर में एडिनोकार्सिनोमा जो कोलन का होता है उसका एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें कैंसरस ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं आपको जो इरेगुलर शेप और साइज की हैं, नॉर्मल कोलोनिक ग्लैंड जैसी दिखाई नहीं दे रही हैं, कोलन की मस्कुलर लेयर के अंदर ये इन्वेड हो चुकी है, मतलब फैल चुकी है, स्प्रेड कर चुकी है। अब लिम्फोमा और ल्यूकीमिया ये ब्लड कैंसर होते हैं, ये टू क्लासेस है कैंसर की जो हिमेटोपोइटिक सेल्स यानी ब्लड फॉर्मिंग सेल से अराइज हो रही है, जो मैरो से निकल चुकी है, वो ब्लड सेल जो मैरो से निकल चुकी है और लिम्फ नोड्स में जाकर के मैच्योर होती है और ब्लड वगैरह बनाती है, ब्लड लिम्फ नोड्स और ब्लड में मैच्योर हो रही है, तो लिम्फ नोड्स में हो रही हो तो लिम्फो
प्लाज्मा, और ब्लड में हो रही है वो ल्यूकीमिया कहलाती है वो कैंसर। अब नेक्स्ट कैंसर है जर्म सेल ट्यूमर। इसमें कैंसर प्लूरीपोटेंट सेल्स या टॉटीपोटेंट सेल से अराइज होती है, जैसे टेस्टिकल और ओवरी से। तो एग्जांपल इसमें सेमिनोमा, डिसजर्मिनोमा। सेमिनोमा तो टेस्टिकल से और डिसजर्मिनोमा ओवरी कैंसर को कहते हैं अपन। ये सेमिनोमा के डायग्राम्स यहाँ पर बताए हुए हैं, इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज ट्यूमर्स होते हैं, जैसे एडिनोस्क्वैमस कार्सिनोमा, एडिनोकैंथोमा, कॉलिजन ट्यूमर। ये दो अलग अलग तरह के कैंसर्स हैं जिनका सेम ऑर्गन से निकल रहे हैं पर फिर भी एक दूसरे से मिक्स ये नहीं होते। एडिनो एकेंथोमा और एडिनोस्क्वैमस कार्सिनोमा सेम ऑर्गन से निकलने वाले कैंसर हैं। इसके अलावा तो इनको अपन कॉलिजन ट्यूमर कहते हैं, सेम से निकल रहे हैं पर फिर भी ये मिक्स नहीं हो रहे। पर मिक्स्ड ट्यूमर जैसे सलाइवरी ग्लैंड या प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा टर्म अपन यूज़ करते हैं, ये दोनों एपिथेलियल और मेसेनकाइमल एलिमेंट से अराइज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट टर्म है टेराटोमा। ये मिक्सचर टिश्यू के मिक्सचर से बने हुए ट्यूमर्स हैं जो कि अराइज हो रहे हैं टॉटीपोटेंट सेल जैसे जर्म सेल से, जो ओरिजिन होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, वही ओवरी और टेस्टिस इसकी कॉमन साइट होती है। तो मतलब ऐसी ऑर्गन से जिसमें मोर देन वन जर्म लेयर होती है, तो उसका एग्जांपल ओवरी और टेस्टिस होता है। तो वहाँ से जो अराइज हो रही है उसको अपन टेराटोमा। तो मोर देन वन जर्म लेयर में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इसमें तीनों लेयर्स पाई जाती हैं, तो उसके कैंसर को अपन टेराटोमा कहते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा गोनाडल साइट मेनली जैसे बॉडी का मिड लाइन है, हेड और नेक रीजन से अराइज होता है, मीडियास्टिनम से अराइज होती है, रेट्रोपेरिटोनियम से अराइज होती है, सैक्रोकोकीजियल रीजन से अराइज होती हैं। टेराटोमा बिनाइन या मैच्योर हो सकती हैं और मैलिग्नेंट या इमैच्योर हो सकती है। बिनाइन जैसे ओवरी में देखने को मिलती है, मैलिग्नेंट जैसे टेस्टिस का टेराटोमा होता है। इसके अलावा अपन मैलिग्नेंट के लिए एक टर्म और यूज़ करते हैं, दैट इज़ ब्लास्टोमा। जैसे कार्सिनोमा सार्कोमा तो यूज़ किया ही था अपन ने, इसके अलावा ब्लास्टोमा टर्म भी यूज़ करते हैं। ब्लास्टोमा या एम्ब्रियोमा ये ग्रुप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि एम्ब्रियोनल या पार्शली डिफ्रेंशिएटेड सेल से ऑरिजिनेट होता है, ऐसी सेल जो कि ब्लास्टोमा ऑर्गन्स का ब्लास्टोमा बनाएंगी, ऑर्गन्स और टिश्यू का ब्लास्टोमा बनाएंगी एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, तो उसके लिए अपन टर्म यूज़ ब्लास्टोमा करते हैं। ट्यूमर्स मोर फ्रीक्वेंटली बच्चों में, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में, 5 साल से कम उम्र के जो बच्चों और चिल्ड्रन में दिखाई दे रहा होता है उनमें कौन कौन से, जैसे न्यूरोब्लास्टोमा, हिपेटोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा और प्राइमरी ब्लास्टोमा। तो जो बच्चों में हो रहा है उसके लिए टर्म अपन, या एम्ब्रियो से जो ऑरिजिनेट हो रहा है उसके लिए अपन टर्म ब्लास्टोमा यूज़ करते हैं। ये 5 उसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी अपन यूज़ करते हैं, जैसे टेराटोमा थी, उसके अलावा हिमाटोमा, कोरिस्टोमा। हिमाटोमा क्या होता है? बेनाइन ट्यूमर जो कि मैच्योर पर डिसऑर्गेनाइज सेल्स से बना हुआ होता है, टिश्यू की मैच्योर बट डिसऑर्गेनाइज सेल्स, जो कि पर्टिकुलर ऑर्गन का इंडिजीनस होता है। जैसे हिमाटोमा लंग का होता है तो मैच्योर कार्टिलेज का बना होगा, मैच्योर स्मूथ मसल्स का और एपिथीलियम का बना होगा, तो उसको हम हिमाटोमा कहेंगे। और कोरिस्टोमा क्या होता है? एक्टोपिक आइलैंड्स ऑफ नॉर्मल टिश्यू या एक्टोपिक लोकेशन ऑफ नॉर्मल टिश्यू। मतलब कोरिस्टोमा कोई कैंसर या ट्यूमर नहीं है, बस इसमें नॉर्मल टिश्यू है पर वो अपनी ओरिजिनल जगह पर नहीं है, किसी और जगह पर है। लाइक किडनी, अगर आपके हाथ वाले एरिया के अंदर ग्रो हुई हुई दिखाई देगी या ग्रो हो जाए तो आपको एक ट्यूमर जैसी दिखेगी बाहर से, आपको थोड़ी पता चलेगा कि ये किडनी है। तो है वो नॉर्मल टिश्यू पर किसी दूसरी जगह पर है, तो उसको अपन कोरिस्टोमा कहते हैं। जैसे हेट्रोटोपिया जो कि एक ट्यूमर नहीं होता, ये ट्यूमर नहीं है, ट्यूमर जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो बस इसके साथ आपकी ये नॉमनक्लेचर जो नियोप्लेसिया का है, इंट्रोडक्शन जो नियोप्लेसिया का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे ही काफ़ी इजी टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।